इंदौर में मादक पदार्थ के सेवन के कारण ही कई स्थानों पर अवैध वसूली से लेकर बड़े अपराध शहर में घटित हो रहे हैं और इसी के चलते अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 1 लाख के करीब बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, दरअसल इंदौर शहर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से यहां पर मादक पदार्थ सहित तमाम तरह के अपराध भी बढ़ रहे हैं और इसी के तहत मादक पदार्थ के कारण कई स्थानों पर हत्या लूटपाट जैसी कई वारदातें भी सामने आई है। अवैध मादक पदार्थ पर मल्हारगंज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दो युवकों को कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा बताया गया कि युवक पुलिस की चेकिंग को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें पीछा कर पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपना नाम राहुल और हर्ष बताया, तो वहीं उनके पास से 12 ग्राम ब्राउन शुगर मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 1 लाख के करीब है। पकड़े गए दोनों युवकों से मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है, तो वहीं वह जिस भी व्यक्ति से मादक पदार्थ को लाए थे उसे उस तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कल दिनांक 6/3/2024 के शाम करीब 7-8 बजे की बात है, मैं अपने दो जवानों के साथ में क्षेत्र इलाके में भ्रमण पर था। इलाका में भ्रमण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली कि वाहनों की चेकिंग भी किया जाना है। ऐसी स्थिति में अंतिम चौराहा के पास में अपराध शाखा के कुछ जवान भी मिले, जिनके साथ हम लोग भूतेश्वर महादेव के मंदिर के पास मेन रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान अंतिम चौराहा के तरफ से दो लोग मोटरसाइकिल से स्पीड से आए, जिन पर हमने शंका हुई कि ये संदेह है, कुछ ना कुछ इनके पास है। वो आते से ही रामनगर गली के तरफ नाले के तरफ मुड़े, मुड़ते से ही हम लोग ने उनका पीछा करके पकड़ा और पकड़ते ही उनका नाम पता पूछा कि आप लोग इतने तेजी से क्यों भाग रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एकदम से सकपा गए और एक ने अपना नाम जो है राहुल पिता पूनम चंद निवासी लक्ष्मी नगर कॉलोनी बताया, और दूसरे ने जो है अपना नाम हर्ष पिता महेंद्र परिहार बताया, रहने वाला संगम नगर थाना एरोडम क्षेत्र का रहना बताया। पीछे वाला ने क्या अचानक उसने अपना जो दाहिना हाथ है वो पीछे की ओर ले जाते दिखा, जिस पर शंका हुई। और ऐसी स्थिति में राहगीर पंचान राजेश और रामदयाल के समक्ष जो है ना उसको चेक किए, तलाशी करवाया, तो उनके पास एक पन्नी में कुछ संदिग्ध भूरे रंग का पदार्थ मिला, जिसमें पहचान किया गया तो ब्राउन शुगर था। और ऐसी स्थिति में उनके कब्जे से संदिग्ध अवस्था में और ब्राउन शुगर की जब पहचान होने के बाद मौके पर सारी कार्रवाई कर वापस थाना आकर के और एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। करीब 12 ग्राम है, करीब 1 लाख रुपए। पुराने दोनों से पूछा गया तो एक के खिलाफ में 5, एक के खिलाफ 4 प्रकरण है। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।